With help of an activity, it is easy to understand the concept. Hello everyone, this is Yash Pratap Singh from class 11th in Science Group JNU Dindori. Today I am going to explain the distillation. Class 9th से distillation process की definition और activity को जानते हैं. आज चलिए हम इसको practical करते हैं. तो इस model को बनाने के लिए हम यहाँ पे flask लिए हैं और इसमें हम impure water लिए हैं. इसमें water है और two mixture of molecule. और यहाँ पे हम burner add और यहाँ से एक ग्लास से एक पाइप लगाए हैं और यहाँ पे ये वाटर कंडेंसर यहाँ पे मोटर ऐड किए हैं जिसकी मदद से वाटर इनलेट और आउटलेट हो सके ताकि जो यहाँ से वाटर वेपर निकले वो वापस लिक्विड निकल जाए. तो यहाँ पे कोल्ड वाटर है और इससे हम पंप ज्वाइन किए और फिर यहाँ से वापस हम यहाँ से पाइप निकाल लिए हैं और यहाँ से फिर हमारा डिस्टिल्ड वाटर आ गया. जो नीचे हम बर्नर ऐड किए हैं तो ये इससे हीट प्रोड्यूस होगा. जो इम्प्योर वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा. ये जो लिक्विड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी गैसेज पर यहाँ से आते आते यहाँ पे आ जाएगा. तो ये कोल्ड वाटर है ये वाटर कंडेंसर के रूप में एक्ट करेगा. तो अब इसको हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ से इनलेट होगा और यहाँ से आउटलेट होगा कोल्ड वाटर का. तो ये कोल्ड टेम्परेचर देगा जो वाटर वेपर है वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फिर वापस जो वाटर वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. फिर वापस ये डिस्टिल्ड वाटर के फॉर्म में कहा जाए हमारा डिस्टिल्ड वाटर अलग है. अगर हम इसको ये डिस्टिल से मिलकर करेंगे इसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू ज़्यादा है. तो उसकी मदद से हम क्लास 9 के बच्चों को कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकते हैं.